गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी हम भागलपुर जंक्शन में पहुंचे हैं और आप देख सकते हो पीछे आवाज़ आ रही है, हमारी ट्रेन आने वाली है। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर क्योंकि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. If I were down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man. फिर बंगाल के तो भिखारी लोग काफ़ी एडवांस हो गए हैं। तो अभी हम लोग हावड़ा जंक्शन से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं और बारिश शुरू हो गई है यहाँ। तो पीछे दो अंकल जी थे, जो बातें हम बोल रहे थे उसे वो ट्रांसलेट कर रहे थे बंगाली में, जो बातें हम बात कर रहे थे उसे बंगाली में ट्रांसलेट करते जा रहे थे। और इधर भाई साहब इतनी खतरनाक बारिश हो रही ना, क्या बताएं। तो अभी हम वेटिंग रूम में आ गए और यहाँ पर देख लो सामने में लिखा हुआ वेलकम टू हावड़ा स्टेशन और ये हावड़ा जंक्शन का वेटिंग रूम है। तो आने के बाद देखो इतने बड़े पंखे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, शायद हेलीकॉप्टर का उतार का लगता लगा दिया। तो यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और प्लेटफॉर्म वाइज सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी। यहाँ टोटल 23 रेलवे स्टेशन है। और स्टेशनों पर आप जाओगे तो देखो कि स्टेशन के अंदर बाइक लाना भी अलाउ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो पूरी कार की पार्किंग लगा रखी है, यानी कि इतना बड़ा स्टेशन है आप समझ सकते हो। यहाँ पूरी कार आती है जो कि डायरेक्ट हाईवे से जाकर मिलती है। तो अभी हम रोड के इस साइड आ गए हैं और इधर साइड देख सकते हो बैनर लगा हुआ है जिस पर पुरानी रेलगाड़ियों की तस्वीरें हैं और कब वो इन्वेंट हुए शायद वो दिखाया गया। और ये वेटिंग रूम है। तो इन पोस्टर में दिखाया गया है कि 1854 में हावड़ा स्टेशन कैसा था, 1914 में कैसा था, मतलब साल बाई साल कितना डेवलप, कैसे कैसे डेवलप हुआ वो बताया गया है। तो अब कैसे कैसे डेवलप किया उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया। और यहाँ स्टेशन के अंदर ही बहुत सारे खाने के शॉप्स हैं, बहुत सारे हैं यार, चारों तरफ फैले हुए हैं। मतलब आप वेटिंग रूम के आसपास चारों तरफ घूम लो, वहाँ सिर्फ शॉप ही शॉप रहेंगे। क्या बोल रहे बंगाली में कुछ समझ में नहीं आता है। तभी मैं स्टेशन के बाहर आ गए और हल्की हल्की बारिश अभी हो रही है। जो सामने दिख रहा है वो न्यू वाला रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है और ये जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं वो पुराना वाला है। तो 1 से 16 तक यहाँ है और उसके बाद फिर 1 से 17 तक उस वाले प्लेटफॉर्म पर। ये देख लो पीली एम्बेसडर, ये कोलकाता में आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे। और वो देख लो हावड़ा ब्रिज सामने में, जूम करते हैं, कैमरे की क्वालिटी गंदी है। तो एम्बेसडर कार भी इतनी प्यारी लगती है यार, मैं देखने में क्या बताएं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये देख लो सामने से कैसा लुक है। Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. If I were down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. I play my favorite song. I go to sleep and try again. हम पहुंच
चुके हैं हावड़ा ब्रिज के पास, आप देख सकते हो पीछे काफ़ी नाम सुना था, देख लिया है। और यहाँ के आसपास अगर जो ब्लॉग करते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं, वैसे तो नॉर्मल ही दिख रहा है, और ये स्टेशनों पर जो नॉर्मल चीज़ें रहती वही है यहाँ भी, बस बसें भी हैं काफ़ी सारी। हावड़ा टू सेल्डर ऑलमोस्ट सारी बसें जा रही हैं, और जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है अम्बेसडर कार, जो कि अब तो काफ़ी जगह से विलुप्त हो चुका है, पर वेस्ट बंगाल की सड़कों पर अभी भी अम्बेसडर कार चलती है। भाई अभी तो बारिश हो रही है, बारिश में चाय पीने का अलग ही मज़ा है, पर चाय तो वैसे भी नेसेसरी है मेरे लिए। हेलो ये झूलो ने स्टेशन से उस साइड से इस साइड आ गए, और यहाँ की चाय बहुत गंदी थी यार, अगर थोड़ा चाय में दूध डाल देता तो क्या कर जाता उसका, शायद उसने कसम खाई थी नहीं डालेंगे, इतनी गंदी चाय बनाई मुँह का स्वाद खाते। और स्टेशन से देख लो रोड के ही साइड आ गए, उस साइड खाने के लिए देखते कुछ चाय के बाद खाना खा लियो, खाना भी यहाँ का बहुत गंदा था। होटल जो है बिजो हिंदू होटल है, मैं आपको कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा, साफ सुथरा था इसलिए हम चले गए खाने के लिए, पर खाने का क्वालिटी बहुत गंदा था यार, तो अच्छा था चाउमीन और रोल ने जान बचा लिया, वरना भूखा ही रहना पड़ता। तो रात में हावड़ा जंक्शन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, और सड़कों पर ये अम्बेसडर गाड़ी पीली पीली चलती है, ये सबसे ज़्यादा दिमाग अट्रैक्ट कर रहा है यार। और इस साइड देख लो हावड़ा ब्रिज, फाइनली आज हम 18 साल के हो गए, आज मेरा बर्थडे है, पर किसी ने मिस नहीं किया, हाउ सैड। और देख रहे हैं आज 18वीं साल के बर्थडे हम रेलवे स्टेशन पर भी जा रहे हैं, तो इस बार का बर्थडे तो ऐसे ही चला गया, तो कोई बात नहीं। वहाँ सामने देख लो क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ, मेरे पास रेलगाड़ी है, वेब सीट है, ट्विटर है, तुम्हारे पास क्या है। ये सवाल अगर जो किसी ने मेरे सामने पूछा होता ना, अभी दिखा देता वाला टी शर्ट, तो आप लोगों ने सभी जानते ही होंगे, जो मेरे ब्लॉग देखते हो वो तो जानते होंगे मेरे टी शर्ट पर क्या है। ये सवाल जो आप कर रहे हैं ना अभी, वो मैंने पहले देखा रखा है। तो इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में जा करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।